मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार मंच से भ्रष्ट अफसरों को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी डिंडोरी का जनजातीय विभाग कमाई का दफ्तर बना हुआ है। स्कूलों और छात्रावास की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म होने के दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। डिंडोरी के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसी भी चेतावनी का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक एवं कन्या स्कूल एवं छात्रावासों के मरम्मत के नाम पर आदिवासी विकास विभाग के अफसरों ने अपने चहेते ठेकेदारों से सांठगांठ कर करोड़ों का खेल कर दिया है। मरम्मत के नाम पर करोड़ों का बजट जारी करवा लिया, पर बच्चे आज भी आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास गोरखपुर में टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर है। छात्रावास में तो शौचालय तक नहीं है। आदिवासी विभाग के अफसरों ने जर्जर भवनों की केवल कागजों में मरम्मत करवा ली है, जबकि हकीकत में स्थिति कुछ और ही है। और भवन तो खैर बहुत पुराना, 1971 की बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा जर्जर हो गई है। थोड़ा सा ऊपर से पानी टपकता भी है इसमें, तो अभी व्यवस्था के तौर पर तिरपाल लगा करके व्यवस्थित कर लिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की है। अभी सार्वजनिक शौचालय बना हुआ पंचायत की तरफ से, तो वो शौचालय का उपयोग बच्चे कर रहे थे, पर उसमें गांव वाले भी उपयोग करते तो गंदा ज़्यादा कर देते हैं। अब हर हफ्ते जो है उसकी सफाई कराना, 2-3 दिन में सफाई कराना, यानी समस्या वो भी आती, सफाई करने वाले बाहर के नहीं मिल पाते, और यहाँ अपने पास में स्वीपर है नहीं, है ना, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है शौचालय। अच्छा, डर भी ये रहता है कि बच्चों को सांप वगैरह ना काट दे, बरसात का दिन चल रहा है। यहाँ पानी टपकता है सर, जब पानी बारिश होने लगता है ना, तो यहाँ बहुत तेज यहाँ पे पानी टपकता है और अंदर भी टपकता है। जिला मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर दूर शासकीय हाई स्कूल मुड़की की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो गए, पर हालत यह है कि स्कूल का फर्श उखड़ रहा है, खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ छत की ग्रेडिंग का काम हुआ है। विद्यालय की हालत जैसे कि जर्जर है, और यहाँ के विद्यालय के 3 कक्षों में पानी टपकता है, जिसके लिए मैंने कई बार रमसा को भी सूचित किया और मैंने इसी कार्यालय में भी यहाँ के मरम्मत के लिए आवेदन दिया हुआ था, तो जिसके लिए टेंडर पास हुआ, परंतु इसके संबंध में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं आई। और जो यहाँ पर ठेकेदार आए थे, उन्होंने केवल छत पे ढलान कार्य करके गए, छत की मरम्मत करके गए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है और कक्षों में अभी भी पानी टपकता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवसा मौड़ी है, जिसमें कि पिछले वर्ष जो है कुछ मरम्मत कार्य कराया गया है और ठेकेदार के द्वारा जो पुट्टी का कार्य किया गया है, कुछ ये मटेरियल और कुछ मटेरियल जो है राड वगैरह जो यहाँ पर छोड़ दिया है, अब सो काम अधूरा है। इस मामले को लेकर डिंडोरी जिले के विधायक एवं आदिवासी विकास विभाग के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम का कहना है कि जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, तब आदिवासी छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई गई थी, जिसे भाजपा ने सरकार में आते ही बदल दिया। वहीं आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला मामले में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये जो आप मुद्दा बात कर रहे हैं, ये मेरा जो वास्तविक कार्य क्षेत्र है उसके अंदर, ये मानवीय दृष्टि से मैं हॉस्टल आश्रम छात्रावासों से हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, और जो हालात बन रहे हैं ये बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से हम अभी डिंडोरी में भी देख रहे हैं, मैं कई हॉस्टलों में निरंतर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, और इतना बड़ा योजना बनाने के बाद अगर व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है, और मैं लगातार इसके लिए कोशिश किया। जिले के छात्रावास आश्रम यहाँ 24 घंटे बच्चे निवास करते हैं, उनको हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया। माननीय कलेक्टर महोदय पिछली बार 92 छात्रावासों में भ्रमण किया, तो आप लोग भी साथ में रहे हैं, और 82 छात्रावासों में रात्रि विश्राम किया, और जहाँ तक अभी माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से हमारी भी व्यक्तिगत रिपोर्ट है और कलेक्टर महोदय द्वारा भी, छात्रावास की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। स्कूलों के लिए हम लोगों ने बहुत प्रभावी ढंग से सुधारने का प्रयास किया। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry academia collaboration for exposure of real industry world.
20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।